अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फिज़ा वेस्ट लाइफ डायरीज़। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे और मेरे व्लॉग्स को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज का व्लॉग थोड़ा सा फूडी होने वाला है। मेरे पास बीफ पड़ा हुआ था सालन में, तो मैंने क्या किया, उसको इस तरह शर्ट कर दिया और साथ में पोटैटोज़ जो हैं वो मैंने बॉयल होने के लिए रख दिए। इनके मैं बनाऊँगी जी कबाब। और अब मैं बना रही हूँ जी सॉस। इसके लिए चाहिए आपको 1 टीस्पून मस्टर्ड सॉस, 1 टेबलस्पून चिली सॉस, चिली जो केचप होता है ये स्वीट वाला होता है कनास का, और 1 टेबलस्पून आपको चाहिए केचप और 2 टेबलस्पून आपको चाहिए मायनीज़। तो अच्छी सी आपने सॉस बना लेनी है। और साथ में मैंने टमाटर, प्याज और खीरे रेडी कर लिए हैं। एक एग ले लिया है और उसमें मैंने नमक और मिर्ची ऐड कर दी है जिससे हम कोटिंग करेंगे कबाब की। और ये देखिए जी आलू मैश करके मैंने इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना वो बराबर कर ली, क्योंकि जो गोश्त था वो थोड़ा सा कम था तो मैंने कहा साथ आलू बॉईल कर लेती हूँ और इसमें काली मिर्च, नमक और ये जो स्पाइसेस आपको जो पसंद हैं, थोड़ा सा चाट मसाला, तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि जो आलू है ना वो बिल्कुल फीके हैं। और अब इसमें ज़ीरा, ग्रीन चिलीज़ वगैरह डाल के मैंने कबाब से बना लिए हैं। और ये वाले बंस आपको पता है मैं यूज़ करती हूँ। और बस हम बर्गर ज़बरदस्त से रेडी कर लेंगे, कबाब फ्राई करेंगे, बंस को थोड़ा सा करेंगे और ज़बरदस्त से हमारे बर्गर्स हो रहे हैं जी रेडी। ऐसा होता है कि किसी दिन हमका बिल्कुल काम करने का भी दिल नहीं कर रहा होता और उसी दिन आपको समझ भी नहीं आ रही होती कि आपने बनाना क्या है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि आज क्या बनाऊँ। और रोज़ सोचना एक सबसे मुश्किल टास्क होता है लेडीज़ के लिए, कि रोज़ सोचो कि आज बनाना क्या है, आज खाने में क्या बनेगा, सबसे अहम सवाल तो यही होता है। तो बस फिर इसी चीज़ को मैंने मद्देनज़र रखते हुए ये सोचा कि जो चीज़ें घर में पड़ी हुई हैं उन्हीं से कुछ कर लिया जाए। तो मैंने बर्गर्स बना लिए और पसंद भी आए थे और मज़े के भी बने। रात में जो हमने बर्गर्स बनाए थे उसका थोड़ा सा बैटर बच गया था, सुबह में मैंने कबाब बना लिए थे नाश्ते में, तो नाश्ते में ये पराठों के साथ बहुत ही मज़े के लग रहे थे। और अब मैं आपको दिखाती हूँ जी, गिफ्ट आया था मेरे लिए बुलंदा सतरंगी का एक सूट आया था जो खद्दर है विंटर कलेक्शन की, और शर्ट आई थी ये मेरी नंद ने हमें गिफ्ट की थी। अच्छा अब है जी रात का टाइम, तो रात के टाइम मैं मैरिनेशन तैयार कर रही हूँ चिकन शाशलिक की। सुबह में मैंने बनाना है क्योंकि सुबह में मेहमान आ रहे हैं, तो सारी रेसिपीज़ तो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकूँगी क्या क्या बना था, लेकिन मैंने कहा ये मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। सिरका ले लिया, नमक ले लिया, इसको अच्छे तरीके से हम थोड़ी देर लगा के रख देंगे। 15 से 20 मिनट के बाद बाकी जितने भी स्पाइसेस हैं वो हम इसमें ऐड करेंगे। अच्छा जी अदरक लहसुन, 2 मैंने बड़ी अदरक ले ली थी, सॉरी लहसुन ले लिए थे, लहसुन के चौवे और 1/2 इंच की अदरक ले ली थी। इसको इस तरीके से आप कर लें, मुझे तो इस तरह से अच्छा लगता है, चाहे तो आप पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून पेस्ट अदरक लहसुन का इनफ होगा, जितनी आपकी क्वांटिटी है चिकन की उस तरीके से। अच्छा पेपरिका पाउडर हम इसमें ऐड करेंगे सिर्फ कलर के लिए, क्योंकि इसका कोई भी मतलब ये तीखी बिल्कुल भी नहीं होती। चिकन टिक्का वगैरह हम ऐड करेंगे, जो रेडीमेड मसाले हैं वो ऐड करेंगे, और ऑलिव ऑयल ऑयल के तौर पर करेंगे, ये ऑप्शनल है, आप सिंपल जो ऑयल है वो भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके पास स्पाइसिस नहीं है तो आप नमक, मिर्च, हल्दी वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, गरम मसाला, जो भी आपको मसाले पसंद हैं वो आपने ऐड कर देने हैं। और आपने इसको ओवरनाइट अच्छे तरीके से मिक्स करके ना रख देना है। अब इसमें बिल्कुल 1/2 टीस्पून तकरीबन दोनों मसाले मिलके ऐड कर रही हूँ, या एक कोई मसाला है तो आप पूरी चम्मच भर के जो है 1 टीस्पून आप इसमें ऐड कर सकते हैं। 1/2 इसमें हम या एक फुल लेमन ऐड करेंगे और अच्छे से हम इसको मिक्स करके रख देंगे ओवरनाइट के लिए। और उसके बाद सुबह में मैंने इसको इसी तरीके से कुक कर लिया था थोड़ा सा ऑयल डाल के, और कुक करने के बाद जब फुली कुक हो गए थे उसके बाद मैंने स्क्वायर्स में वेजिटेबल्स यानी कैप्सिकम और अनियंस लगाए थे, और फिर एंड पे थोड़ा सा 1 टेबलस्पून ऑयल डालकर उनको थोड़ा सा सौते कर लिया था। ये मैं आपको इसलिए बता रही क्योंकि मैं वो क्लिप रिकॉर्ड नहीं कर सकी थी, असल चीज़ है इसकी मैरिनेशन।
और अगर आप इसी के साथ अभी वेजिटेबल्स भी मैरिनेट कर देंगे तो वो बहुत नरम सी हो जाएंगी, तो फिर वो टूटने शुरू हो जाएंगी। तो इसलिए मैंने इनको फुली तैयार करके इस तरीके से फिर मैंने इनको थोड़ा सा सोते कर लिया था। ये है जी फाइनल लुक हमारी शाशलिक की, बहुत ही ईजी और क्विक है रेसिपी, और साथ में मेरी कज़न ने बनाया था, मेरी कज़न वगैरह आई थी, कज़न्स वगैरह आई थी, तो फिर मैंने हम लोगों ने मिलके कुकिंग की थी। साथ में मैंने मटन का सालन बना लिया था और वेजिटेबल राइस तो मैंने कहा था उसी ने बना लिया था, क्योंकि हम लोग साथ साथ गपशप कर रहे थे और साथ साथ कुकिंग कर रहे थे, तो मैंने कहा तुम आ जाओ मेरे साथ किचन में आज की रेसिपीज़ और एंड पे एक और ज़बरदस्त सी सैंडविच की फिलिंग की रेसिपी। आलू आपने ले लेने हैं जी, जितने आपको चाहिए आपने बॉईल कर लेने हैं। इसमें धनिया, पुदीना, सब्ज़ प्याज, दड़ा मिर्च, ज़ीरा, नमक, काली मिर्च और जितने भी स्पाइसेस आपको पसंद हैं। लाइट से ये बिल्कुल बैटर बन जाएगा। वाइट पेपर और ब्लैक पेपर मैंने ऐड की थी और ग्रीन चिलीज़ ऐड की थी, रेड चिलीज़ मैंने बिल्कुल भी नहीं ऐड की थी। और अच्छा से मैंने बैटर बना लिया था जी सैंडविचेस के लिए, और सुबह में नेक्स्ट मॉर्निंग हमने फिर इसको अपने सैंडविच मेकर में बनाया था। तो अगर आपने मेरी सैंडविच मेकर वाली वीडियो नहीं देखी तो जाकर मेरे चैनल पे देखिएगा। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा।